अपनी जगह है। और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया, और कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियां साहब को गो अहेड दिया वो तशरीफ लाएं और वो आइन और कानून का वहां सामने पेश होंगे, उसका उसका मुकाबला करेंगे। डील की बातें बेबुनियाद, अगर कभी डील हुई होती तो जेलें ना काटनी पड़ती। वोट को इज्जत दो का नारा नहीं छोड़ रहे, नून लीग की दो टोक तरदीद। शहबाज शरीफ बोले, कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। सबको इंतखाबात लड़ने के यकसा मौके मिलने चाहिए, जिसको वोट मिले वो हुकूमत बनाए, मौका मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। लोगों को गायब कर देने के हक में नहीं हूँ, 1999 में मुझे और नवाज शरीफ को गायब किया गया था, हमने तो आज तक कोई शिकवा नहीं किया। कारकुनान को कभी नहीं कहा कि जाकर तनसीबात पर हमला कर दो। सियासत को रियासत पर कुर्बान कर देने पर कोई मलाल नहीं, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ को अब भी आर्ज़े कल्ब के अलावा लंदन और पाकिस्तान में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में जमा, 10 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने जारी की। नवाज शरीफ को अंजाइना के अलामत और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया। नवाज शरीफ को वापसी के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं, वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक किसी की हिफाजती जमानत की इस्तदा रद्द नहीं हुई, मैंने खुद इनकार किया था। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं, जनवरी के आखिर में इंतखाबात के ऐलान पर यकीन किया जाए, सब कुव्वतें मिलकर काम करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाकर G20 में शामिल कराना है, उम्मीद है IMF का अगला इक्तसादी जायजा कामयाब होगा, डॉलर 250 से नीचे आना चाहिए। कमजोर हरीफ के खिलाफ भी कौमी टीम पूरे 50 ओवर्स ना खेल पाई, 49 ओवर्स में ऑल आउट। नीदरलैंड्स को 287 रन का हदफ दिया, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। 68 रन स्कोर किए, मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। फखर जमान का बल्ला आज भी ना चल सका, सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक और इफ्तखार अहमद भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से की गई बातचीत की एक और ऑडियो वायरल। मुबैना गुफ्तगू में रॉ एजेंट से पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत, आर्मी के टेक ओवर के सवाल पर कहा सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं, आर्मी चीफ का प्लान भी है कि किसी तरह टेक ओवर कर लूं। गैर कानूनी तारकीदें, वतन की वापसी डेडलाइन खत्म होने में 25 दिन बाकी, वफाकी हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद। अफगान मुहाजरीन की वतन वापसी जारी, 16 ट्रकों पर मुश्तमिल 30 से जायद खानदान तोरखम से वापस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफगानों को हर हाल में पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रजाकराना तौर पर वापस जाने वालों को सहूलत फराहम की जाएगी। हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान सिम्स का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश, सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने, BTS तनसीब से फोन सेट जबरदस्ती मकामी नेटवर्क पर मुंतकिल करने और सारफीन को वाईफाई तक रसाई से कबल शनाख्त देने का पाबंद बनाने की तजवीज। माफिया के गिर्द घेरे के असरात, रुपए की कदर में मुसलसल इस्तेहकाम, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता, 282.59 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए गिर गया, 282 रुपए में ट्रेडिंग। IMF के नए इक्तसादी जायजे से पहले गैस कीमतों में इजाफा मतवक्के, वजारत पेट्रोलियम ने समरी तैयार कर ली, कीमत 302 से बढ़ाकर 600 रुपए फी MMBTU होने का इम्कान। इतलाक जून के बजाय अक्टूबर से होगा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 214 गैस कनेक्शन मुनकता कर दिए गए, 1,30,00,000 से जायद के जुर्माने आए।
कसूर में 40 अरब की बिजली चोरी, सेक्रेटरी तवानाई का नोटिस। खात्मे और मीटर्स की तंसीब के लिए 102 सालसी कमेटियां तश्कील दे दी। लेस्को अफसरान और मकामी सियासी शख्सियात शामिल होंगी। चोरी खत्म ना होने पर लेस्को अपनी तंसीबात उतार लेगी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 643 कनेक्शन मुनकता कर दिए। 360 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गैपको ने 56 बिजली चोर पकड़ लिए। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर बैंक लूट गया। 5 डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। जाते हुए बैंक को बाहर से ताला लगा गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फलस्तीन में सहूनी फौज के मजालिम जारी। एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। नौजवान को नाबलस में गोली मारी गई। 24 घंटों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। अमन का नोबेल इनाम ईरान की नरगस मोहम्मदी के नाम। नरगस मोहम्मदी ने ईरान में खवातीन पर होने वाले मजालिम पर आवाज उठाई। इंसानी हकूक और आजादी के लिए जिद्दोजहद की। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब ख्वाब ही रहा। क्रिकेट और कबड्डी में तलाई तमगे की दौड़ से बाहर। क्रिकेट सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 4 विकेटों से हराया। कौमी टीम 115 रन पर ढेर हुई। अफगान टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कबड्डी के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। हॉकी में ग्रीन शर्ट्स का 5वां नंबर रहा। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर बैंक लूट गया। 5 डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। जाते हुए बैंक को बाहर से ताला लगा गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फलस्तीन में सहूनी फौज के मजालिम जारी। एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। नौजवान को नाबलस में गोली मारी गई। 24 घंटों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। अमन का नोबेल इनाम ईरान की नरगस मोहम्मदी के नाम। नरगस मोहम्मदी ने ईरान में खवातीन पर होने वाले मजालिम पर आवाज उठाई। इंसानी हकूक और आजादी के लिए जिद्दोजहद की। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब ख्वाब ही रहा। क्रिकेट और कबड्डी में तलाई तमगे की दौड़ से बाहर। क्रिकेट सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 4 विकेटों से हराया। कौमी टीम 115 रन पर ढेर हुई। अफगान टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कबड्डी के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। हॉकी में ग्रीन शर्ट्स का 5वां नंबर रहा।